नमस्कार दोस्तों, लव भारती ऑटो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज फिर मैं है आपके लिए एक नई वीडियो लेके। लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था इनोवा हाईक्रॉस के अंदर VX और GX मॉडल की आपने वीडियो देखी थी, और आज हमारे साथ है इनोवा हाईक्रॉस के अंदर ही जी सेल्फ जो मॉडल आता है, GX से नीचे का एक वर्जन होता है जी सेल्फ मॉडल, जो कि ज़्यादातर टैक्सी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो वो आज हमारे साथ है गाड़ी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जो जी सेल्फ मॉडल है वो 18,55,000 रुपये से एक शोरूम स्टार्ट होती है इंडिया मार्केट के अंदर, और ऑन रोड प्राइस इसका RTO वगैरह इंश्योरेंस वगैरह आपका अलग रहता है। और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से, तो आप देख सकते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में लगभग G2 जी सेल्फ अगर देखते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है यहाँ पे, क्योंकि अगर बात करते हैं ये जो यहाँ पे पट्टी आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, GX मॉडल में आपको यहाँ पे ये आपको पट्टी क्रोम के अंदर नजर आने वाली होती है, और जी सेल्फ में आपको यहाँ पे ब्लैक पट्टी नजर आती है। और साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर जैसे आप फ्रंट पार्किंग देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, और नीचे की तरफ देखते हैं तो फोग लैंप की भी यहाँ पे आपको कमी नजर आएगी, जो कि GX मॉडल में भी फोग लैंप नहीं आते हैं, फोग लैंप ओनली फॉर ओनली आप देखेंगे तो टॉप मॉडल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों फ्रंट लुक से अगर बात करते हैं तो ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पे चेंजमेंट नहीं किया है, एक क्रोम की ग्रिल और फ्रंट पार्किंग सेंसर को ही देख सकते हैं, क्योंकि फोग लैंप भी आप इसमें एडिशनल एसेसरी के अंदर लगवा सकते हो, और DRL वगैरह भी आपको यहाँ पे फ्रंट में नहीं मिलते हैं। तो ये तो था दोस्तों गाड़ी का फ्रंट लुक। चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, और जैसे कि आप साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर डायमेंशन के अंदर कोई कमी नहीं है, डायमेंशन बिल्कुल सेम है। GX लो, VX लो या ZX मॉडल आप परचेज करते हैं तो आपको डायमेंशन यहाँ पे सेम नजर आएगी, और जो चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा साइड व्यू से वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉय व्हील आपको देखने को नहीं नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको 16 इंच के स्टील रिम मिलते हैं, और आप देख सकते हैं 65/205 प्रोफाइल टायर रहेगा इसका, और थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें व्हील कैप भी आपको साथ देखने को मिल जाता है, और ORVM जो है उसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर सेम रहता है GX में भी और VX में भी, और थोड़ी सी कमी नजर आएगी तो वो आपको आएगी कीलेस एंट्री की, क्योंकि कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। दोस्तों साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, जो मोटा मोटा चेंज देखा जाएगा वो है एक अलॉय व्हील का। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल पे और दिखाते हैं आपको गाड़ी के रियर प्रोफाइल में क्या चेंजमेंट यहाँ पे नजर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल से आप देखेंगे कि शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे सेम नजर आएगा, जो कि GX, VX और ZX में तीनों गाड़ियों में अंदर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, और रियर स्पॉइलर की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको सेम नजर आएगा। जिस चीज़ की आपको यहाँ पे थोड़ी सी कमी नजर आएगी वो आप देख सकते हैं रियर ग्लास के ऊपर आपको यहाँ पे डिफोगर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जी सेल्फ और GX मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे रियर डिफोगर नहीं मिलता है। तो साथ ही आप देखेंगे कि रियर वाइपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और जो ब्लैक पट्टी आप ये देख सकते हैं यह जी सेल्फ में आपको ब्लैक मिलेगी, और इससे ऊपर वाले मॉडल में आपको यह पट्टी क्रोम की यहाँ पे देखने को मिलेगी, और साथ ही आप देखेंगे कि जो टेल लैंप है, टेल लाइट है, वो भी यहाँ पे आपको सेम नजर आने वाली है, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं किया है। और एक प्लस पॉइंट जो आप देख सकते हैं, प्लस पॉइंट अच्छा है इसके अंदर कि जो GX मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलते हैं, बट जी सेल्फ में आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे ऊपर वाले मॉडल में आप देखेंगे कि पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलते हैं, VX और ZX में आते हैं बट GX में नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है कि जी सेल्फ में आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं गाड़ी के अंदर का इंटीरियर, गाड़ी के अंदर के फंक्शन। तो गाड़ी के अंदर आप जाने से पहले देखेंगे कि गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो नजर आने वाली है, और ORVM है वो भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेगा, फोल्डेबल आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता है। तो ये माइनस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे ORVM जो है इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल नहीं मिलता है, और बाकी आप देख सकते हैं जो इसमें लेदर फिनिशिंग यहाँ पे नहीं मिलती है, सॉफ्ट टचिंग भी यहाँ पे नहीं मिलती है, सारा प्लास्टिक पार्ट है, तो ये काफ़ी कमी नज़र है गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट टच या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ORVM जो है फोल्डेबल दे देते तो ये भी एक अच्छा फीचर था। और साथ ही आप दोस्तों देखेंगे कि एक गाड़ी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट हाइट एंड एडजस्टेबल का यहाँ भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि GX मॉडल से सीट हाइट एडजस्टेबल आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर किल्च नहीं है, तो यह गाड़ी आपको ऑटोमेटिक नजर आएगी, क्योंकि इनोवा हाईक्रॉस जो मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है वो ओनली फॉर ओनली ऑटोमेटिक वर्जन के साथ लॉन्च हुई है, चाहे आप GX मॉडल ले, चाहे VX ले या ZX ले। तो दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर में बात करते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग से, तो स्टेयरिंग पे आप देख सकते हैं स्टेयरिंग पे ओनली आपको MID के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है यहाँ पे
उसके कंट्रोल ओनली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाकी और इसके ऊपर कोई कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और स्पीडोमीटर की अगर बात करते हैं तो एनालॉग स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा, और बीच में आप देख सकते हैं 4.2 mm की आपके यहाँ पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके कंट्रोल आपको स्टेयरिंग पे दिए हुए हैं। और साथ ही बात करते हैं, देखो दोस्तों म्यूजिक सिस्टम भी आपको यहाँ पे मिस किया हुआ है, क्योंकि जी मॉडल के अंदर जाते हैं तो आपको 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, बट जी सेल्फ में आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की कमी नजर आएगी। और साथ ही आप देखेंगे कि जो एसी वेंट है उसके ऊपर क्रोम बैजिंग यहाँ पे देख सकते हैं, सिल्वर पैटर्न में यहाँ पे दी हुई है। और एसी की अगर बात करते हैं तो एसी आपको यहाँ पे मैनुअल नजर आएगी, जीएक्स में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक नजर आती है। तो गियर नॉब की अगर बात करते हैं तो दोस्तों वो भी गियर नॉब भी यहाँ पे बिल्कुल सेम नजर आने वाला है। और साथ ही आप दोस्तों देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, होल्ड का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ड्राइविंग मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल मोड, इको मोड, पावर मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है, और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे कमी नजर आएगी, हाइब्रिड 2 आप देख सकते हैं, हाइब्रिड में यहाँ पे ईवी का एक बटन मिलता है जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि ये ओनली फॉर ओनली पेट्रोल की गाड़ी है। और साथ ही आप देखेंगे कि सी टाइप के यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी यहाँ पे दी हुई है, ये भी एक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल के जो नई जनरेशन के जो फ़ोन आते हैं उसमें ओनली सी टाइप चार्जिंग आती है, तो सी टाइप की यहाँ पे 2 सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कूल्ड ग्लो बॉक्स भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, कूल्ड ग्लो बॉक्स हाई क्रॉस में आता ही नहीं है, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा के अंदर आता था वो। और साथ ही आप देखेंगे कि सिंपल ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ब्लैक कलर का इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टच नहीं है, ये लेदर नहीं है, ये ओनली प्लास्टिक पार्ट है। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो रीडिंग लैंप भी आपको यहाँ पे रीडिंग लैंप आपको देखने को मिल जाएगा, और SOS का जो एक इमरजेंसी कॉलिंग के लिए ऑप्शन है जो कि इससे ऊपर वाले मॉडल में है, वो ऑप्शन यहाँ से निकाल दिया गया है। और इसके अंदर आपको सिंपल नॉर्मल रीडिंग लैंप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और सीट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के फैब्रिक सीट मिलेगी, लेदर सीट कवर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और आर्म रेस्ट भी देख सकते हैं आप, आर्म रेस्ट भी एक अच्छे खासे स्पेस के साथ आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है। साथ ही आप देखेंगे कप होल्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा है इंटीरियर, कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। और एक बस म्यूजिक सिस्टम की कमी है, तो आप मार्केट से या टोयोटा जेन्युइन एक्सेसरी से म्यूजिक सिस्टम लगवा के गाड़ी को G2 GX कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा, जी सेल्फ के अंदर जो गाड़ी है वो इसकी स्पीड लिमिट होती है, क्योंकि जो टैक्सी में गवर्नमेंट इंडियन के जो रूल है उसमें क्या है कि गाड़ी को आप 80 से ऊपर नहीं चला सकते, तो जी सेल्फ के अंदर स्पीड गवर्नर लगा होता है, जिसकी वजह से यह गाड़ी 80 से ऊपर स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो ये एक माइनस पॉइंट है कि आप जी मॉडल अगर लेते हैं तो गाड़ी आपकी 80 से ऊपर नहीं चल पाएगी, क्योंकि यह गाड़ी स्पेशल फॉर स्पेशल टैक्सी के लिए बनाई गई है, कंपनी ने इसको टैक्सी के लिए ही मार्केट के अंदर उतारा गया है। तो दोस्तों अभी चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे, दिखाते हैं आपको रियर सीट में क्या कुछ नया है इस गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं रियर सीट में भी सेम आप देखेंगे कि पावर विंडो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और सेम आप देखेंगे क्रोम हैंडल के साथ आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिलेगा, और यह भी आप देखेंगे कि प्लास्टिक पार्ट है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टचिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और दोस्तों चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर स्पेस के मामले में गाड़ी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2 फीट जो है मेरा यहाँ पे लेग रूम आपको देखने को मिलेगा। और हेडरूम की अगर बात करता हूँ तो अप्रोक्सीमेट 1.5 फुट यहाँ पे आपको हेडरूम भी देखने को मिलता है। और आप देखेंगे कि एसी वेंट जो आपको इनोवा क्रिस्टा में बीच में नजर आते थे, वो एसी वेंट आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको साइड में एसी वेंट का ऑप्शन दे दिया गया है, क्योंकि इससे ऊपर वाले मॉडल में जो सनरूफ आता है, सनरूफ की वजह से एसी वेंट जो है साइड में करने पड़े कंपनी को। और इसी के साथ आप देखेंगे कि एसी के कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पे मैनुअल में पैनल दिया हुआ है, जो कि आप इसको मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ देखते हैं तो चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे 2 नज़र आने वाली है, वो भी सी टाइप नज़र आने वाली है। और दोस्तों एक और प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं जो फ्लोर आपको नज़र आ रहा है वो फ्लोर आपको यहाँ पे फ्लैट फ्लोर नज़र आएगा, कि जो बीच में एक अड़चन होती थी उसकी वजह से कस्टमर जो पैसेंजर है वो ढंग से नहीं बैठ पाता था, तो वो परेशानी भी अभी ख़त्म कर दी गई है। और सीट कवर आप देख सकते हैं वही सेम सीट कवर रहेंगे जो फैब्रिक के अंदर ब्लैक कलर के अंदर मिलते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे कि इसमें आपको यहाँ पे सीट जो है 60-40 यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलती है, और 7 पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। और व्हील कैप की अगर बात करते हैं तो जैसे कि आपने देखा था कि गाड़ी के अंदर अभी व्हील कैप नहीं लगे थे, तो ये व्हील कैप आपको चारों टायर के साथ में मिलने वाले हैं टोयोटा जेन्युइन के साथ। और इसी के साथ दोस्तों अभी आप देख सकते हैं रीडिंग लैंप भी आपको यहाँ पे रियर में रीडिंग लैंप भी आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा रियर सीट है यहाँ पे।
और अभी चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियर सीट पे जाने के लिए आपको क्या करना है। रियर सीट पे जाने के लिए पहले आपने देखा होगा इनोवा क्रिस्टा की सीट को फोल्ड किया जाता था, बट अभी वो चेंज कर दिया है। इसमें आपको सीट को फोल्ड नहीं करना है, आपको यहाँ से इसको ऊपर करना है और इसको आगे की तरफ पुश करना है। जैसे ही आप देखेंगे कि आप इसके अंदर देखेंगे कि काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है और इसकी वजह से आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। और रियर सीट की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो इनोवा क्रिस्टा से अगर देखा जाए तो इसमें काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एसी वेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग से एक यहाँ पे एसी वेंट भी दोनों साइड यहाँ पे दिए हुए हैं। और सीट बेल्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये सीट भी आप इसको यहाँ पे ऐसे सीट एडजस्ट कर सकते हो। चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफी अच्छा रिव्यू है इनोवा हाईक्रॉस का। और अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी में बूट स्पेस कितना है और उसके बारे में अब बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बूट डोर है वो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये हाइड्रोलिक पंप है। इसके अंदर हाइड्रोलिक पंप से वन टच आप करेंगे तो इसके ऊपर ये अपने आप ओपन हो जाएगा। तो गाड़ी का बूट स्पेस आप देख सकते हैं, अच्छा खासा बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें जो एक नया प्लस पॉइंट आया है कि जो पहले इनोवा क्रिस्टा की जो सीट ऐसे फोल्ड होती थी, साइड में फोल्ड होती थी, अभी वो आप इस सीट को फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, जो कि आपका बूट स्पेस इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हैं दोनों सीट फ्लैट होने के बाद आपको कितना सारा बूट स्पेस मिलता है, जो कि किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे देखने के लिए। और आप देख सकते हैं डोर काफ़ी हैवी डोर है यहाँ पे इनोवा हाईक्रॉस का। और आपको पता ही है टोयोटा में क्वालिटी के मामले में कोई कमी आती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।